बहू बहू, ये कौन सी जगह है? मम्मी जी आप 5 मिनट वेट करिए, हम अभी आते हैं। पर बहू बहू, इस अनजान शहर में ऐसे मैं अकेले कहाँ बैठूंगी? और मुझे तो तुम्हारे घर का भी नहीं पता कुछ। अगर मैं खो गई तो क्या करूंगी बेटा? मम्मी जी आप पागल है क्या? ऐसे कैसे खो जाएंगी? नहीं बहू, देख तू ना मुझे अपने साथ ले चल, मुझे नहीं बैठना अकेले, मुझे मुझे बहुत डर लगता है। और ना घर चलना, मुझे मेरे बेटे से भी तो मिलना है ना। अरे मम्मी जी मिल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है, और 5 मिनट की तो बात है। एक काम करती हूँ, मैं पहले सरोज को स्कूल छोड़ कर आती हूँ, फिर आपको साथ में लेकर चलूंगी। चल बेटा। पर बहू सुन तो। मम्मा दादी को साथ में ही ले चलो ना, वैसे भी दादी यहाँ पे अकेले ही तो बैठेंगी। चुप कर तो एकदम, कुछ पता तो है नहीं, बीच में बोलती है दादी की चमची। अब चल स्कूल। अरे बहू बहू बहू, मुझे डर लग रहा है बहू। बहू 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 बहू, तू मुझे मिल गई ना। अरे पागल बुढ़िया कौन है तू? अरे बहू मैं तेरी सास, तूने पहचाना नहीं मुझे? हो मम्मी जी आप इस हालत में कहाँ चले गए थे आप? मम्मी जी आपको पता है, आपको ढूंढते ढूंढते कितना पागल हो गए थे हम, कितना परेशान हो गए थे, लेकिन आप तो इतनी केयरलेस है कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे बहू तुझे याद नहीं, तू मुझे वहाँ बस स्टैंड पर बिठा के गई थी ना कि तू आ रही है 5 मिनट में। बेटा मैं वहीं बैठी तेरा इंतजार कर रही थी, पर तू आई नहीं। वाह मम्मी जी, तो अब ये आरोप आप मुझ पर डाल रही हैं। आपको पता भी, आपको ढूंढते ढूंढते वहाँ आई थी मैं, लेकिन आप थे ही नहीं वहाँ, मुझे लगा आप गाँव वापस चले गए होंगे। अरे बेटा जब तू मुझे वहाँ बिठा कर गई थी ना, तो पूरे 2 दिन तक मैं वहीं बैठी रही, तेरा इंतजार करती रही, और तू तो आई नहीं। मैं क्या करती, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, गाँव कैसे जाती, ऊपर से मैं अनपढ़, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है क्या करना है। पर अभी तो मेरी बहू और मेरी पोती मुझे मिल गए हैं ना। बहू मुझे घर ले चल बेटा, बहुत बहुत भूख लगी है मुझे, मैंने कुछ भी नहीं खाया 2 दिन से। हाँ हाँ मम्मी जी घर चलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, एक काम करते हैं पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद घर चलेंगे। नहीं नहीं बहू, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं खाना, मुझे तू घर ले चल, मुझे घर जाना है बस। मम्मी जी कहाँ ना, मैंने घर जाएंगे, एक काम करती हूँ मैं ना आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद घर चलेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं अब अकेले नहीं रुकूंगी कहीं, मैं साथ चलती हूँ। मम्मी जी बस 2 मिनट की बात है, यहीं पास में ही है आइसक्रीम वाले की दुकान, हम आते हैं, आप वेट करो तब तक। चल बेटा। बेटा 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 मुझे अकेला मत छोड़ो बेटा। मम्मा आप तो कह रहे थे हम दादी के लिए आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, लेकिन आप तो कहीं और ही जा रहे हो। तो पागल हो गई है क्या? अगर आज हमने इसको आइसक्रीम खिला दी ना, तो डेली खिलानी पड़ेगी, आदत कौन लगाएगा ऐसे इसकी। मम्मा लेकिन दादी तो भूखी होंगी ना, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा, हम उन्हें घर लेके चलते हैं ना। पागल हो गई है तू, घर कहाँ ले जाएंगे और कहाँ रहेगी घर में ये, वैसे बहुत सारे काम है मेरे पास, और सरदर्द नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मम्मा दादी ऐसे कैसे रहेंगी? बेटा 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन बाहर घूमेगी फिर गाँव वापस चले जाएगी वो। मैं पापा को बता दूंगी कि आपने दादी को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर तूने पापा को कुछ भी बताया ना, तो तेरा सारा काम करना बंद करा दूंगी मैं, समझी? चल अब। फालतू बोलती है। पानी पानी पानी। अरे आंटी जी उठिए। पानी पानी, ये लीजिए पानी पीजिए। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आंटी जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मैंने इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ पे। बेटा क्या बताऊँ, मेरी बहू ना मुझे यहाँ बिठा के गई थी कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, पर वो अब तक नहीं आई। अरे तो आपको उनका एड्रेस नहीं पता क्या? कुछ नहीं पता, मैं तो शहर ही पहली बार आई हूँ, नहीं नहीं आई हूँ गांव से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहू ने बोला मम्मी जी यहाँ 5 मिनट बैठो, मैं आती हूँ बच्चे को स्कूल में छोड़ के, पर बेटा मैं तब से देख रही हूँ। अच्छा तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, पैसे भी नहीं है मेरे पास कि कहीं जाऊँ। और मेरी बहू ना एक बार मुझे मिली थी, तो मैंने बोला बहू तू कहाँ चली गई, तो कह रही मम्मी आप बैठो यहीं पे मैं आती हूँ, फिर से बिठा के चली गई। बेटा क्या करूँ। आप टेंशन मत लो, मेरे ना एक सर है और वो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है वो ना आप जैसे लोगों की मदद करते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
हम उनके पास चलते हैं अभी, ठीक है? अच्छा चलो। सर मैंने आपको एक आंटी जी के बारे में बताया था ना, जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था और सर उनको अनाथों की तरह रहने के लिए मजबूर भी कर दिया था। कहाँ है वो? सर वो मेरे साथ ही आए हैं और बाहर हैं, अगर आप कहें तो मैं अंदर ले आऊँ। ले क्या उन्हें? सर ये है वो आंटी जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मम्मी आप यहाँ? बेटा आ गए तुम? हाँ ऐसा सुनी तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को गांव से यहाँ बुला लो हमारे पास। हाँ हाँ बुला लो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मम्मी जी ये शहर के माहौल में रह पाएंगे या नहीं? ये तो तुम बिना जाने कैसे कह सकती हो, उन्हें बुलाते हैं फिर देखते हैं वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मतलब? मतलब ये कि वो यहाँ आ चुके हैं। मम्मी। मम्मी जी आप यहाँ? क्या हुआ, तुम मम्मी को यहाँ देख के शॉक्ड हो गई? कुछ बोलना नहीं चाहोगी तुम? मैं तो ये सोच रहा था कि मम्मी अपने गांव में होगी, अच्छे से होगी, क्योंकि तुम जैसी बहू मेरे ख्याल रखते हो, लेकिन तुमने ऐसा ख्याल रखा इनका। तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था मम्मी को मुझसे दूर करने का, ऐसा ही प्लान था ना तुम्हारा? बोलो अब चुप क्यों हो? जिस माँ ने तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझा, उन्हीं के साथ तुमने ऐसा किया, तुम्हें शर्म नहीं ऐसा करते हुए? तुमने उन्हें अनाथों की तरह बस स्टेशन पर छोड़ दिया। वो तो मेरी एक एम्प्लॉई है जो इनको मेरे पास लेके आ गई। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पता नहीं मेरी माँ आज कहाँ होती, किस हालत में होती। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और सुनीता मैंने कभी भी तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगी। जिस माँ ने हमारी शादी के लिए इतना कुछ किया, मैंने जब इन्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उन्होंने बताया क्या कहा कि हाँ मेरी बहू तो तुम ही बनोगी। लेकिन उस बहू ने आज मेरी माँ के साथ क्या किया, क्या किया? अगर तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना? हाँ बुरा लगेगा। तो फिर इनको बुरा नहीं लगा होगा जब तुमने इन्हें सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी किसी से कुछ बोल नहीं पाई, किसी के पास जा नहीं पाई। तुमने इनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया, इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया ताकि हम इनका सहारा बने, और तुमने इनका सहारा छीन लिया। तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा कोई करे तो ये बहुत बुरी बात होगी ना? तो इसीलिए मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नहीं आनंद ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनीता तुमने कोई छोटी गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं इसलिए मैं अभी तक चुप हूँ, वरना तो मैं पता नहीं क्या करता। हाँ पापा मम्मी ने दादी के साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मम्मी ने मुझे डरा दिया था इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मम्मी ने दादी को बस स्टैंड पर अकेला छोड़ दिया था, दादी इतना रो रही थी लेकिन मम्मी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। देखा आज तुमने, तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो चुकी है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण तुम खुद हो। तुम्हारा ये बिहेवियर है, जो बेटी अपनी माँ की नहीं हो सकती है उसकी अपनी बेटी उसकी कैसे हो सकती है? इसलिए आज तुम्हारी बेटी तुमसे दूर जा चुकी है और शायद ही तुम्हारे कभी मुंह देखना चाहेगी, तुम्हारे साथ रहना चाहेगी, क्योंकि उसको अपनी माँ की असली करतूत पता चल चुकी है। तुमने किस तरीके से इसकी दादी को घर से निकाला, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। बहू मैं एक बात बोलूँगी कि कभी किसी भी माँ को उसके बच्चे से दूर मत करना। अब तुम मेरे सामने से जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, और जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं हो जाता मेरे सामने मत आना। जाओ अपने घर, जाओ यहाँ से। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हमेशा आप लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ सहन करते हैं। इसलिए बदले में आप भी मतलब आपका फ़र्ज है कि वो उनकी बात माने, उनकी बात सुने और हमेशा रिस्पेक्ट करें, और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज है जो उन तक पहुँच सके जल्दी शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।